जी विवर्स, यहाँ जेपीटी पहला क्रिकेट टूर्नामेंट और इसकी रानाइयां अपने उरूज पर हैं। यहाँ चूंकि इन्होंने तमाशाइयों के लिए भी इनामात रखे हैं, प्लेयर्स के लिए तो हैं ही हैं, तो यहाँ कैच पे यानी जिस तमाशाई ने कैच पकड़ा तो उसको जबरदस्ती एक शर्ट दी जाती है। तो एक यहाँ पे छोटे से बच्चे नन्ने मुन्ने मौजूद हैं, उन्होंने कैच पकड़ा तो पहले उनके व्यूज जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? अतीकुर रहमान। कहाँ से ताल्लुक है, आप कहाँ रहते हैं? मैं बाजार से ताल्लुक हूँ। और खुद भी आप क्रिकेट खेलते हैं? जी। कौन सी टीम से? मैं इब्रार अलीवन। अच्छा, मतलब अभी आपकी टीम खेल रही है और बड़ी अच्छी पोजीशन में भी खेल रही है, तो क्या कहेंगे आप जेपीटी के लिए? जेपीटी के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट शुरू किया इन लोगों ने, और खासकर ये जो आपने कैच पकड़ा है, आपको इनामात दे रहे हैं, मतलब आपको इनकरेज कर रहे हैं, आप मजीद इससे कैच पकड़ना भी सीखेंगे, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जी, थैंक यू। नाज़िर शाह साहब मौजूद हैं और आज के मैच के मेहमान खुसूसी हैं जनाब गुल मोहम्मद साहब, जो पैन तहसील उगी के सदर हैं, वो अपने हाथ से अतीकुर रहमान को ये इनाम देंगे। जी थैंक यू। सर आपके व्यूज थोड़ा जानना चाहूंगा, माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी इनकी कोशिश काविश है जेपीटी की कि तमाशाइयों को इनाम देना, फिर छोटे छोटे सवाल पूछ के छोटे छोटे बच्चों को इनाम देना या कैच पकड़ने पे, तो क्या कहेंगे इस इकदाम के बारे में? माशाल्लाह मैं तो समझता हूँ कि ये जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जेपीटी के और हमारे खास करके स्पोर्ट्स के, मैं इनको दाद देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये एक मेरे ख्याल से एक नई चीज़ इन्होंने इसको किया है कि जी जो खिलाड़ी उसको कैच पकड़े उसको भी इनामात, और ये इनमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी और बच्चों में आम जो बैठे हुए हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इसका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान ज्यादा होगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, मैं इसको बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को मैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आज न्यूज़ से बात करें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।